प्रूफ पहले आप देख लो भाई। मैंने 22 बीम अप्लाई किया था और आपको 15 सितंबर बताया था, लेकिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है शाहिनो? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। शाहिनो नींद से जागो, नींद से उठो, आप सो रहे हैं तमाम लोग, ठीक है ना? आप मेरी बात को नहीं मानते, ये प्रूफ पहले आप देख लो, ठीक है ना? प्रूफ को पढ़ लो, मैं खुद भी पढ़ के आपको थोड़ा सुना देता हूँ पहले, फिर इसके ऊपर बात भी लाजमी करेंगे। भाई मैंने 22 बीम अप्लाई किया था और मैं सेलेक्ट था, लेकिन अभी तक मेडिकल का कॉल नहीं आया। मेरा लिस्ट में लिखा था आप सेलेक्ट को 15 सितंबर बताया था, लेकिन अभी तक मुझे कॉल नहीं आया। हालांकि मैं सेलेक्ट था और मैंने डी खान सेंटर में अप्लाई किया था। मेरी जान आप अभी थोड़ा वेट करें, आज 27 अगस्त है, ठीक है ना? कल 28 अगस्त है, फिर इसी तरह सितंबर, अभी उसमें टाइम है। इंशाल्लाह आपको कॉल भी आएगी, आपको एसएमएस भी आएगा, आपके पास जितने दोस्त थे इंशाल्लाह उनको भी कॉल आएगी। लेकिन मेरे शाहिनों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आप उठो, नींद से उठो, आप सो रहे हैं, आप मेरी बात को नहीं मानते। मैं कब से आपको कह रहा हूँ, ठीक है, कि आपका किसी भी सेंटर में आपने अप्लाई किया, किसी भी भर्ती सेंटर में आपने अप्लाई किया, वहाँ पर आप जाओ, आपको कुछ नहीं कहते। आर्मी वाले बड़े इज्जतदार बंदे होते हैं, ठीक है, और मतलब स्पेशली जो वहाँ पर जो क्लर्क बैठे होते हैं, बड़े हमदरेबल बंदे होते हैं, ठीक है ना? आपको कुछ नहीं कहते, ए टू जेड जितने भी गेट से लेकर वहाँ तक क्लर्कों तक आप जाते हैं, सब हॉनरेबल बंदे होते हैं, ठीक है ना? उनको पता होता है कि यार महंगाई का दौर है, ठीक है ना? अगर एक बंदे का काम इनकी वजह से होता है तो वो खुश होते हैं, लेकिन आप सो रहे हैं, आपने बात नहीं माननी, आपने काम करना नहीं है, ठीक है ना? आपने इधर आना नहीं है, आपने किसी दोस्त को सेंड नहीं करना, क्योंकि आपको तो शर्म आएगी अगर आप फेल हो गए या आप सेलेक्ट नहीं हुए। अगर आपके दोस्त को पता चल गया कि यार मैं तो सेलेक्ट नहीं हो गया हूँ, फिर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, आप खुद आ जाओ, ठीक है ना? अगर आप इससे भी डरते हो, अगर आप इससे नहीं डरते, शर्मिंदगी इसमें कोई नहीं है यार, अप डाउन हमेशा चलता रहता है। आपका भाई 2019 से लगा हुआ है, 2023 हो चुका है, मेरे सिलेक्शन नहीं हो रही है, ठीक है ना? मैं तो आप सबको बता रहा हूँ, ठीक है ना? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, ठीक है? पर मेरे पास एफएससी तालीम है, मैंने DIT किया हुआ है, ठीक है, साथ में अब मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, लेकिन क्या करूँ, जॉब नहीं लग रही, नहीं लग रही है, ठीक है ना? शर्म वाली कौन सी बात है, ठीक है ना? आप किसी दोस्त को सेंड करें, किसी भाई को इधर भेजें, कोई इसमें शर्मिंदगी वाली बात नहीं, अप डाउन हमेशा चलता रहता है, ठीक है ना? तो मेरे शाहिनों, मेरे दोस्तों, अपने हाल पर रहम करें, काफ़ी महंगाई का दौर है, सेंटर में आ जाए, जिस तरह ये भाई आया है, ठीक है, आप भी आ सकते हैं, ठीक है ना? इस भाई को यही कहा गया कि 15 सितंबर तक इंशाल्लाह आपको मेडिकल होगा। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, काइंडली आप चले जाएं, ठीक है, दोबारा 15 सितंबर को आप सेंटर चले जाएं, उनसे आप कह दें कि सर आप लोगों ने मुझे ये कहा था, उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि सर आपने हमें ये कहा था, अब मेरा क्या होने वाला है, ठीक है? सिंपल है, बस इधर आएँ, किसी भी सेंटर में आपने अप्लाई किया, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को इस तरह ग्रो करने में मदद करते रहें। बेस्ट ऑफ